यहाँ पर मैंने ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव बनाया है। ये आप देख सकते हैं प्रॉन का पुलाव बनाया है, बहुत डिलीशियस, मज़ेदार, सब ने इसको बहुत इंजॉय किया। तो आइए चल के इस मज़ेदार से प्रॉन पुलाव को बनाते हैं कि ये कैसे बना है, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ प्रॉन पुलाव, उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डाल रहे हैं सिरका, ताकि जो है इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ इसमें मैं डालूँगी, इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे अच्छा सा। हल्दी डालने से और सिरका डालने से इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर कोई जर्म है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और हम इसको अच्छा सा फिर वॉश कर लेंगे 15 मिनट के लिए, हम इसको इसमें रहने देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट रख दिया सिरके और हल्दी के पानी में। अब इसको वॉश करेंगे और वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, इसके लिए माजरत। तो इसको मैं वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो प्रॉन्स को मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है, अब इसको फ्राई करेंगे, आइए चलते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और उसमें मैंने ये झींगे डाल दिए हैं, इनको मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी यहाँ पर, और फ्राई करके इसको निकाल लूँगी। अच्छा, प्रॉन्स यहाँ फ्राई हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर डालूँगी 1 टेबल स्पून घी। तो ये एक और टिप है, इससे इसमें खुशबू अच्छी सी आ जाती है। घी इसमें ऐड कर दिया मैंने और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैंने उसमें डाला है गरम मसाला, जिसमें थोड़ा सा तेज़पात है, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, लौंग है और काली मिर्च है, और थोड़ा सा ज़ीरा है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। यहाँ मैं शाह ज़ीरा भी डाल रही हूँ, यानी कि काला ज़ीरा, वो भी यहाँ ऐड कर दिया मैंने। और अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी प्याज, प्याज इसमें ऐड हो गई है, और इसको अच्छा सा कॉटे करेंगे। मैंने यहाँ डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छा सा बनाएंगे, मिक्स करेंगे। तो मैं क्या, मैंने हसबैंड का नमक लिया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च है, आधी टीस्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, आधी टीस्पून यहाँ पर हल्दी है, और यहाँ मैंने लिया है, यहाँ पर ये सारे मसाले ऐड हो गए। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छा सा भूनेंगे हम, ऑयल ऊपर आ जाए वहाँ तक मसाले को अच्छा सा भूनेंगे। मसाले को भूनते भूनते हम यहाँ पर आलू भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे ताकि आलू गल जाएं। पानी यहाँ ऐड कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी ताकि आलू इसमें अच्छा से गल जाए। अब इसको कवर हटाती हूँ, इसका आलू मेरे 80% गल गए हैं। इस वक्त मैं यहाँ डाल रही हूँ ये फ्राई किए हुए प्रॉन, ये इसमें ऐड हो गए माशाल्लाह। और साथ साथ यहाँ डालूँगी मैं 3 हरी मिर्चें, ये भी इसमें ऐड हो गई। और इसमें डालूँगी मैं 250 ग्राम योगर्ट, दही, बिल्कुल हल्की आंच रखी हुई, हल्की आंच पर दही को थोड़ा सा भूनना चाहिए वरना दही जो है वो फट जाता है। यहाँ पर हमने ये सारे मसाले को अच्छा सा मिक्स किया है, हल्की आंच पर इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। आपको बताते हैं कि हम क्या ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने देखें प्रॉन्स डाल दिए थे, वो भी अच्छे से टेंडर हो गए हैं, आलू भी टेंडर हो गए हैं। इस पॉइंट पर अब हम डालेंगे चावल, जो कि हमने पहले से पानी में भिगो कर रखे थे। अब यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं चावलों को, ये देखें ऐड हो गए। अब हैं जब तक बनेंगे तरीके, पानी और चावल दोनों ऐड हो गए यहाँ पर, और अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो व्यूवर्स, माशाल्लाह ये दम पर हमारा पुलाव आ गया है,
ज़बरदस्त किस्म का आप देख सकते हैं चावल कितने ज़बरदस्त हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से उठाकर कितने बड़े बड़े और खिले खिले चावल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारा पुलाव रेडी हो गया है। इन दुआओं के साथ के अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को हादिया सईद के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।